हाय गाइस, तो आज नवरात्रि स्पेशल DIY सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में हम बनाएंगे ये इयररिंग्स। तो इन्हें बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये थिन कार्डबोर्ड बेस के लिए। उसके बाद हमें लेना है ये मिरर का कटआउट। इसको हम ग्लू की हेल्प से इस कार्डबोर्ड के बेस पे स्टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके साइड्स पे हमें ग्लू लगाना है और ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को इसके साइड्स पर स्टिक करना है। मैं यहाँ पर येलो और ब्लू कलर के थ्रेड को यूज़ कर रही हूँ। ये स्टिक हो जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को कट कर देना है। अब मैंने ये आईपिंस को छोटे साइज में कट करके लिया है। अब इनको एक एक करके इस डिज़ाइन के बैक साइड पर हमें स्टिक करना है। इस डिज़ाइन के 3 कॉर्नर्स पर मैंने आईपिंस को स्टिक किया है। अब हमें लेना है ये पॉम पॉम बॉल में मैं ये बड़े साइज़ की आईपिन को इंसर्ट कर रही हूँ। उसके बाद हमें अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर की पिन छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा पिन को हमें कट कर देना है और ये पिन को हमें यहाँ पर ऐसे बेंड करके लूप बनाना है। ये लूप बन जाने के बाद ये पॉम बॉल के दोनों साइड पर ऐसे 2 लूप्स बनेंगे। तो एक लूप को ओपन करके मैं यहाँ पर ये कवरी शेल को अटैच करूँगी। तो मैंने जंपरिंग के हेल्प से इस कवरी शेल को इस लूप में अटैच किया है। अब दूसरे लूप को ओपन करके सेंटर के आईपिन में अटैच करना है और बचे हुए 2 आईपिंस में मैं जंपरिंग के हेल्प से कवरी शेल्स को अटैच कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट में हमें लेना है ये इयररिंग स्टड बेस और इसको यहाँ पर डिज़ाइन के बैक साइड पर स्टिक करना है। और इसी के साथ हमारी ये इयररिंग्स रेडी हैं। अब मिरर के डिफरेंट शेप्स और साइजेस को यूज़ करके ऐसे सिमिलर इयररिंग्स बना सकते हैं। ये इयररिंग्स की डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।